दोस्तों पूज्य गुरुजी के अनुसार यदि घर के मुख्य द्वार पर पानी से भरा बर्तन रखा जाए तो इससे घर में हमेशा सुख समृद्धि का वास होता है, साथ ही नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है। घर के सदस्यों को एक के बाद एक नई सफलताएं मिलती हैं, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि पात्र का पानी रोजाना बदला जाए और यह पानी हमेशा साफ रहे। पानी में गुलाब के ताजे फूल या फिर उसकी पंखुड़ियाँ डालना भी बेहद ही शुभ फल देगा। इससे माहौल में हमेशा सकारात्मकता रहेगी, जिससे घर में माँ लक्ष्मी का वास होगा और माँ लक्ष्मी आपके घर में हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखेंगी। पूज्य गुरुजी के अनुसार मुख्य द्वार पर पानी से भरा पात्र रखते समय ध्यान रखें कि पात्र मिट्टी का या तांबे का या फिर पीतल का हो। स्टील, लोहे या फिर प्लास्टिक के पात्र में पानी भरकर रखने की गलती ना करें, वरना यह फायदे की जगह नुकसान का कारण बन सकता है। पूज्य गुरुजी के अनुसार घर के मुख्य द्वार पर मिट्टी या फिर पीतल के पात्र में रखा साफ जल घर में दुर्भाग्य और नकारात्मकता का प्रवेश नहीं करने देता, साथ ही घर के सदस्यों की कई संकटों समस्याओं से रक्षा करता है। साथ ही ध्यान रहे कि पानी के पात्र को सीधे जमीन में ना रखें, बल्कि उसे मेज या चौकी पर रखें। पूज्य गुरुजी के अनुसार घर के सामने पानी का छिड़काव करना साफ सफाई शुद्धता के लिहाज से वैसे भी महत्वपूर्ण माना जाता है, लेकिन दोस्तों वास्तु के लिहाज से भी इसके कई फायदे हैं। घर के मुख्य द्वार के सामने पानी छिड़काव करने के फायदों के बारे में, वैसे तो घर में सुख और समृद्धि आए इसके लिए हम काफी उपाय करते हैं, लेकिन पूज्य गुरुजी के अनुसार उसका लाभ नहीं मिल पाता है। लेकिन पानी के इस छोटे से उपाय को अपनाकर आप लाभ उठा सकते हैं।